नमस्ते गाइस, क्या चल रहा है अभी अभी सामने से ना एक बहुत ही प्यारी रंग बिरंगी वो फटफटिया लाउड फिल्टर लगाई हुई स्कूटी निकली हमारे बगल में से, और उसमें जो बंदा बैठा था उसके सामने के सिर्फ ये वाले बाल जो हैं वो गोल्डन कलर के थे, जैसे कि वो एक गोरा आदमी हो, लेकिन बाकी का शरीर तो वही टेक्निकल एकदम सादा सीधा इंडियन पूरा का पूरा, ठीक है। बट ये डुअल टून कार्टून नेटवर्क वाला मेरे को समझ में नहीं आया सीन क्या था। हमने अभी अभी एक वीडियो शूट किया था, तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे हमने इसलिए सोचा कि इसके ऊपर बात करते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, और लोग ऐसा करते क्यों है? मतलब किस चीज में, कि ऐसे चीजें लोग क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू ड्राइव अटेंशन टुवर्ड्स देमसेल्व्स, मतलब कि लोगों की नजरें मुझ पे पड़े या मैं नोटिस ज्यादा हूं, ठीक है। अभी भी लोग ये पहन के रखते हैं, पता नहीं क्यों, और वो भी कभी कभी तो अकेला गाड़ी बंद खिड़कियां सारी बंद करके भी पहन के रखता है, पता नहीं अपना ही सूंघना चाहता है दिन रात। मेरे को ये सोचने का आ रहा था दिमाग में वाइल टॉकिंग विद अयान के ये अगर अटेंशन सीकिंग के लिए किया जा रहा है तो उसकी भी जड़ क्या है, उसका भी कारण क्या है, क्यों उसको अटेंशन चाहिए। फिर जो अपने आसपास नेचर है भारत के अंदर जो हमें दिख रही है सड़कों पे और काम काज में, वो ये होती है कि लोग ना यहाँ पे जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स जो एक्चुअली वर्थ गेटिंग है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये अप्रोच अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई कि ये काम नहीं करती, जो ये जुगाड़ू अप्रोच है ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि जुगाड़ू अप्रोच जो होती है, अब जैसे अगर एक बंदा अपने आप को ऐसे बाल कलर कर ले, रोज अपने दोस्तों को मिले किसी पनवाड़ी में बैठे वही सुट्टे फूके इंस्टाग्राम पे वही डाले रोज स्टोरी पे चिलिंग विद माय बॉयज, लेकिन वो कूलनेस फैक्टर तुम किस लिए लाना चाहते हो, ताकि क्या तुम्हारे मतलब तुम यंग हो तुम चाहते हो लड़कियां भी रोने लगे कि तुम्हारी कोई कूल लाइफ है या कुछ, ठीक है तुमने वो भी लड़की जो अभी तक खुद कुछ नहीं है उसकी अटेंशन या जो भी है वो भी अट्रैक्ट कर ली, क्या वो रहेगी? क्योंकि जब वो तुम्हारे साथ बैठेगी तो उसको भी यही समझ में आएगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 रुपए थे एक छोटे से पैकेट ऑफ ब्लीच के लिए कि तुम सिर्फ इतना ही कलर कर पाए साला, कंपेयर टू अगर तुम कुछ एक्चुअली कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ या फिर एक जुगाड़ू रास्ता नहीं ढूंढ रहे हो आगे बढ़ने के लिए। मतलब एक ही बार करो लेकिन ढंग से काम करो, वो रहेगा ना उसका रिजल्ट तुम्हारे साथ और लॉन्ग टर्म में रहेगा। और क्योंकि वो चीज करनी मुश्किल होती है इसलिए तो सब नहीं करते हैं, और अगर सब नहीं करते हैं तो इसका मतलब वही चीज है जो विनर्स को या विक्टर्स को विक्टिम से असाइड सेट करती है। लेकिन ये पता होने के बाद भी बंदे नहीं उसको करना चाहते, जब तक वो मुकाम नहीं आ जाए कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेस आ जाए रोटी कपड़े की या कुछ के, तब जाके बंदा किसे, तब तक बंदे घिसना ही नहीं चाहते। क्या मिलता है इससे, मेरे को ये नहीं समझ में आता, शॉर्टकट लेने से क्या मिलता है? और अपना पूरा देश आई थिंक काफी हद तक इसी चीज पे चलता है, और इसलिए अब फॉर एग्जांपल जो नए टाइप की इकोनॉमी आने वाली है जिसमें कमी नहीं है रिसोर्स की, कमी नहीं है इंसानों की जिसके पास स्किल हो, आज के दिन मतलब कोई भी जो काम है वो बहुत ही चीप कॉस्ट में अचीव करवाया जा सकता है एक दूसरे इंसान के थ्रू, सिंपली क्योंकि इतने ज्यादा इक्विप्ड इंसान है। लेकिन क्या मैं उनके पास वापस जाऊंगा, चाहे वो एक पार्टनर हो डेटिंग के रूप में, या अगर वो पार्टनर नहीं है डेटिंग के रूप में, वो हो क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल काम के रूप में, मैंने अगर काम किसी से लिया है, क्या मैं वापस जाऊंगा उसके पास? वो मैं तभी जाऊंगा अगर जो उसका काम है वो उस क्वालिटी का हो जो मेरे को कंटिन्यूअसली खुश रखे, या अगर वो मेरा डेटिंग का पार्टनर है तो उसकी कंपनी ऐसी हो जो मुझे कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट कर सके। नीचे नहीं, मैं दिल दिमाग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जुगाड़ू जो हरकतें हैं अपने भारतीय वासियों की, हम कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तो अपने चमगादड़ों से बात कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत उड़ चुके हैं ऊपर, लेकिन बाकियों को नीचे मत छोड़ो, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी सोसाइटी में कोई दिखता है या तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके उसको साला ज्ञान दो जिंदगी का, लेकिन एक बार उससे बात करके कोशिश करो कि ये चीजें क्यों कर रहा है समझने की, और अगर आपको लगता है कि वो खोया हुआ बंदा है उसको शायद जरूरत है लाइफ में, कोई उसको एक बार मुंह पे ना बोल दे सच, क्योंकि ना हम लोग चाहते नहीं कि किसी और को हम दुखी कर दे या उनको हमारे अगेंस्ट टर्न कर दे, लेकिन वो सच ही सबसे ज्यादा तगड़ा होता है जो एक इंसान को फट करके अंदर हिट करे या कड़वा लगे, क्योंकि अगर वो कड़वा लगा इसका मतलब उसमें अहमियत है उसके अंदर वैल्यू है, और वो ऐसी वैल्यू जिसको हम आज तक अवॉइड कर रहे थे। तो अगर तुम कुछ कर पाए हो और थोड़ा अपना लाइफ के ऊपर काम कर रहे हो या तुमने इतने सारे जो वीडियोस देखे उसकी वजह से तुम कुछ कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि
आसपास के जो लोग हैं जिनकी ग्रोथ से ऐसा नहीं है कि हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम रहे उसी सोसाइटी के अंदर रहे, सब अगर सोचने का तरीका, एथिक्स, जिस तरीके से वो जिंदगी जीते हैं, ठीक है, सिविक रूल्स हो गए, यहाँ पे जैसे सड़कें तोड़ते जाते हैं पूना में, वापस बनाते हैं तो पहले गड्ढा था तो अब फोड़ा हो गया है, तो इसका पॉइंट नहीं है क्योंकि काम था एक लेवल नॉर्मल अच्छी खासी सड़क बना दो। लेकिन जो लोग वहां पे पहुंचे हुए पोजिशन ऑफ पावर में, वो बस उसी चीज को रिसाइकल करना चाहते हैं कि पैसा निकालने का इसमें मौका है, निकालते जाओ। इससे क्या होता है कि आम आदमी का फॉर एग्जांपल ट्रस्ट ऐसे लोगों में से जाने लगता है, सूनर और लेटर फिर वो भी रिप्लेस हो जाते हैं। तो पॉइंट क्या है ऐसी जिंदगी जीने का, जहां पे तुम कीड़े की तरह जितना कम कर सकते हो उतना कम करना चाहते हो, चाहिए तुम्हें सब कुछ और फिर तुम वहां से भी धकेल दिए जाओगे, क्योंकि हम सब लोग तो पावरफुल है नहीं सोसाइटी में, या ऊपर लेवल पे तो है नहीं। तो एक ही चीज है जो हमें कंटिन्यूसली लास्ट करवा सकती है और लोगों के दिमाग में एक छाप छुड़वा सकती है, वो है ऑथेंटिसिटी। अब जिस बंदे को अगर अटेंशन चाहिए, अगर वो ऑथेंटिकली पहले खुद को एक्सेप्ट कर ले के साला हाँ मैं ये जो कर रहा हूँ थोड़ी चूचू चीज है, ठीक है, और इससे एक्चुअली घंटा दुनिया में फर्क नहीं पड़ने वाला। और बताओ ये जो बंदे होते हैं ना, ये सिर्फ अपनी फॉर एग्जांपल लुक से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही बंदा चाहता है कि मैं क्या करूं कि मेरे को फटाफट रिजल्ट मिले, उसकी वजह से ये ऐसी चीजें करते हैं। और ये बंदे सिर्फ अपनी लुक से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, ये अपनी लाइफ से भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको मीनिंग अटैच कर रही है या उसको एक वजन देती है, ताकि अगर वो किसी के साथ बैठा हो उसको मेहनत ना करना पड़े या अपने माथे पे ऐसा कुछ चिपकाना ना पड़े जिसकी वजह से लोगों को समझ में लगे कि ये कोई हाईफाई बंदा है या ये वैल्यूबल बंदा है या इसका कोई स्टेटस है। ये अगर तुम्हें करने की कोशिश पड़ रही है ना, इसका मतलब तुम अंदर से खोखले हो। और यही एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि ओवरऑल इतनी ज्यादा जो प्रेवलेंट है आज की सोसाइटी में, क्योंकि जितना टाइम के साथ हम आगे आ रहे हैं ना उतना ही हम पीछे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कितने हम खुद को जानते हैं एज पीपल, या इंसान खुद को कितना पहचानता है, वो उसका ऑथेंटिसिटी फॉर एग्जाम्पल कितनी है, इन टर्म्स ऑफ कितनी क्लैरिटी के साथ वो खुद को समझता है, कितनी क्लैरिटी के साथ वो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव और विजन होल्ड करता है कि मैं हूं कौन और मैं कितना लायक हूं, ठीक है। कंपेयर टू आजकल, चाहे असली जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जब कोई बंदा अपने माँ बाप को फोर्स करके रेलवे स्टेशन पे कैमरा पकड़वाए और फिर ट्रेन के सामने टिकटॉक वाला नाच करे, और अगर उसको उतना कुछ व्यूअरशिप नहीं मिला या लाइक्स नहीं मिले तो बंदा फिर खाना नहीं खाता है, डिप्रेशन में जाता है। मेरे पास ऐसे भी माँ बाप की कहानी आई हुई है। तो ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी जगह जो मैं पैसा उस चीज पे खर्च रहा हूं या जो टाइम उस चीज पे लगा रहा हूं या यही रिपीटेटिव बिहेवियर है जो मैं रोज जी रहा हूं, क्या इसकी जगह मैं अपना टाइम या अपना रिसोर्स जो मेरा छोटा सा पैसा है ऐसी चीज में लगा सकता हूं जो मेरे को परमानेंटली बड़ा करे, कंपाउंडिंग वैल्यू में मेरे को वापस रिटर्न दे, कंपेयर टू तो अभी ब्लीच लगाया वो एक हफ्ते बाद सफेद होने लग जाए बाल और फिर दोबारा पैसा खर्चना पड़ेगा उसी चीज के ऊपर। छोटा सा मेरा ये मैसेज था, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू हेल्प अदर्स, ट्रस्ट मी वो कभी ना कभी घूम के तुम्हें भी वापस आएगा, एंड एज वेल एज इट माइट स्टिमुलेट और किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ग्रोथ फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग। तो अगर कोई गोल्डन बाल वाले लौंडे हैं आसपास उनको शायद ये वीडियो दिखा दो या खुद से उनके साथ बात कर लो, एंड होपफुली ऐसे लौंडे अपने को कम दिखेंगे स्कूटियों के आसपास। Cheers.